हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड एक अद्भुत रचना है, किंतु क्या आप हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही हमारे मिरर ब्रह्मांड की कल्पना कर सकते हैं? वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर ऐसी कुछ कथित संभावनाएं हैं जिसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की मिरर इमेज के जैसा ही प्रतिब्रह्मांड कहीं तो होना ही चाहिए। आप देख रहे हैं द कॉस्मो शो और आज हम देखेंगे कि मिरर ब्रह्मांड सिर्फ एक कल्पना ही है या फिर सत्य। 30 जून 1908 की सुबह 7:17 पर रशिया के क्रास्नोयार्कस शहर के पूर्व में चल रही ट्रांस साइबेरियन एक्सप्रेस ट्रेन के यात्रियों ने एक जोरदार धमाका सुना। क्षण भर के बाद आकाश मैग्नीशियम के जलते तार की तरह चमक उठा। एक तूफान की गति से गर्म हवा का बवंडर आया। ट्रेन बड़ी मुश्किल से पलटने से बच पाई। यात्रियों का भाग्य अच्छा था क्योंकि विस्फोट का केंद्र करीब 560 किलोमीटर दूर था। सबसे अधिक संभावना है कि आकाशीय धूमकेतु वहां उतरा था या कोई उल्का गिरी हो। केंद्र के चारों ओर 30 किलोमीटर के क्षेत्र में बवंडर ने जड़ सहित सभी पेड़ों को उखाड़ दिया था, जलाशयों को बाष्पित कर दिया था, कुछ लोगों और घोड़ों को मार डाला था, दो गांवों को पूरी तरह से अदृश्य कर दिया था। एक दशक के बाद जब रूसी वैज्ञानिक घटनास्थल पर पहुंचे तो यह एक दुर्गम स्थान था। साइबेरियन पेड़ अभी भी धमाके के केंद्र की विपरीत दिशा में गिरे थे, लेकिन इसके अलावा उन्हें कहीं भी किसी खगोलीय धूमकेतु या उल्का के टकराने के कोई संकेत नहीं मिले। दोनों गांवों के नामो निशान कहीं नजर नहीं आ रहे थे। यदि कोई उल्का या धूमकेतु गिरा है तो कुचले हुए पेड़, टूटी हुई जमीन, टूटी चट्टाने आदि के संकेत होने चाहिए, लेकिन वे नहीं थे। तो फिर ये प्रलयकारी तांडव किया किसने? इसका संभावित उत्तर दूसरे 20 वर्षों में यानी कि सन 1928 में मिला। एक प्रमुख ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक पॉल डिराक ने उस वर्ष एक क्रांतिकारी भविष्यवाणी की थी कि ब्रह्मांड में पदार्थ के हर कण के सामने एंटी मैटर का एक कण होना चाहिए। जितना द्रव्य बनता है उसके प्रतिबिंब जैसा प्रतिपदार्थ बने बिना रह नहीं सकता। पॉल डिराक ने एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी की कि जब पदार्थ और एंटी मैटर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, और वह भी डॉक्टर आइंस्टाइन के सूत्र E=mc² के अनुसार। यदि संक्षेप में कहे तो पदार्थ और एंटी मैटर द्वारा निर्मित दो व्यक्ति क्रमशः एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो आइंस्टाइन का सूत्र उन्हें हजारों मेगाटन के हाइड्रोजन बमों के विस्फोट के बराबर की ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। यह भूलना नहीं चाहिए कि ऊर्जा अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकती है, और दोनों के बीच विनिमय की योजना स्थायी है तो फिर मूल रूप कौन सा है? यह स्वाभाविक है कि पदार्थ के साथ साथ एंटी मैटर, जिनके कण और एंटी पार्टिकल्स पहले नष्ट हो गए थे, जब ऊर्जा से कोई नया कण बनता है तब उसकी रिवर्स कॉपी की तरह उसका प्रतिकण भी निकलता है, क्योंकि कॉपी रिवर्स ही होती है। पदार्थ के केंद्र में प्रोटॉन है तो प्रतिपदार्थ के केंद्र में एंटी प्रोटॉन होना अनिवार्य है। प्रोटॉन धनात्मक है तो एंटी प्रोटॉन ऋणात्मक होंगे। इलेक्ट्रॉन में भी इस तरह का ही विरोधाभास होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है तो एंटी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि पॉजिट्रॉन। पॉल डिराक के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन के वक्त पदार्थ और एंटी मैटर समान मात्रा में बने थे। पदार्थ और एंटी मैटर के बीच हिंसक संबंध को देखते हुए आज ब्रह्मांड में ऊर्जा के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारा ब्रह्मांड पदार्थ से बना है, एंटी मैटर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। टेलीस्कोप से देखने पर भी उसे पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि दिखने के मामले में पदार्थ और एंटी मैटर में कोई अंतर नहीं है। फिर भी उसकी एक झलक देख पाना असंभव है। हो सकता है पदार्थ ने उसे ऊर्जा में बदल दिया हो। एक और संभावना भी है जिसकी बात हम आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तब तक देखते रहिए द कॉस्मो शो।